हेलो फ्रेंड्स कोरोना वायरस ने बच्चों की पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल दिया है जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं और बहुत समय हो गया है मार्च से करीब अब अगस्त तक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और कंप्यूटर या स्क्रीन के थ्रू ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस दौर में ये सवाल एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल हो गया है कि जो बच्चों के स्कूल्स हैं वो कब खुलेंगे और उन्हें एक्चुअली कब खुलना चाहिए सब पेरेंट्स के मन में बहुत डर है इस बात को लेकर कि जब भी स्कूल्स खुलेंगे क्या वो बच्चों के लिए सेफ़ होगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर जोए और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल आज डॉक्टर जोए पर हम हमेशा बात करते हैं हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में तो आज एक ऐसे ही सवाल के बारे में चर्चा करते हैं जो रिसेंटली अभी मेरे एक मरीज़ ने मुझे पूछा कि मैम आपको क्या लगता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो क्या कोरोना वायरस के चलते स्कूल्स का खुलना ठीक रहेगा वो कितना सेफ़ है तो आइए दोस्तों आज इसी के बारे में बात करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं चैनल अच्छा लग रहा है या फिर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ज़रूरी इसीलिए है कि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें आगे के वीडियोज़ के बारे में और आप हेल्थ और हैप्पीनेस से अवेयर हो सकें तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक के आ, कोरोना के दौर में स्कूल्स का खुलना कितना उचित है आ, तीन चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगी पहला ये कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर स्कूल खोले जाते हैं इस समय पर दूसरा इस विषय में बात करेंगे कि अगर हम उन सब चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं अगर हम वो सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं जो कि लेना ज़रूरी है इस वक्त मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी क्या हम सेफ्टी बरकरार रख रहे हैं या इसमें किस तरह की परेशानियां या बाधाएं हाँ आ सकती हैं और तीसरा और अंत में हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या जितनी पिक्चर या तस्वीर हम देख रहे हैं सेफ्टी को लेकर उतनी काफ़ी है या इससे बड़ी पिक्चर या तस्वीर को देखना हमारे लिए ज़रूरी है तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े रही अंत तक इसे देखिए ताकि हम समझ सकें कि क्या बात की जा रही है तो जैसा मैंने कहा कि पहले सेफ़्टी मेजर्स क्या ज़रूरी हैं सेफ्टी के लिए क्या करना है ये अब एक नई बात नहीं रही है क्योंकि अब कई महीने हो गए हैं हम इस कोरोना से गुज़र रहे हैं और बार बार आपको सोशल मीडिया पर टीवी पर न्यूज़पेपर्स में हर तरह के सोशल मीडिया पर फेसबुक पर यूट्यूब पर ये बताया जाता है कि आपके लिए क्या सेफ्टी ऑप्शंस हैं ये बात आप जानते ही हैं कि इस समय मास्क का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है यही चीज़ स्कूल में भी लागू करनी पड़ेगी अगर स्कूल खोले जाते हैं बच्चों को मास्क पहनकर ही स्कूल जाना होगा ताकि आ, उनका आ, अफेक्ट होने का खतरा कम हो सके दूसरी चीज़ जैसे हम हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं और आ, बार बार अपने हाथों को धो रहे हैं हमें कहा जाता है ऐसा करना है यही चीज़ बच्चों के लिए भी लागू करनी पड़ेगी आ, तीसरा ये ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए वो भी मेंटेन किया जाए तो सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं ये तो कोई नई बात नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ और ये बात आपको पता नहीं है आपको ये सब पता है पर जो दूसरी बात है जो दूसरा चरण है जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है कि क्या ये सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद भी हमें ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम बच्चों को सेफ रख रहे हैं इसमें कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी हैं जैसे मैंने कहा कि एक सेफ़्टी मेजर ये है कि बच्चे मास्क पहने अब देखिए बड़ों के लिए भी मास्क पहनना बहुत आसान काम नहीं है ऑल दो हम सब आज के दिन एक न्यू नॉर्मल से एडजस्ट कर रहे हैं हम सब कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि सरकार चाहती है और सरकार हमें जो गाइडलाइंस दे रही हैं कि इस समय हमें मास्क पहनना ज़रूरी है हम उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं मास्क पहनने का एक तरीका होता है सिर्फ मास्क पहन लेना हमें सेफ्टी नहीं देता जैसा आप जानते हैं ज़रूरी है कि आपके इस चेहरे के हिस्से के साथ साथ आपकी नाक का कवर्ड रहना ज़रूरी है अब ये बात बच्चों को समझाना और इसे लागू करना बहुत आसान नहीं है आ, बच्चों को एक तो बहुत छोटे होते हैं ये समझ से परे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं दूसरा आ, बड़े चंचल मन के होते हैं ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली और उनको इस चीज़ के लिए फोर्स कर पाना कि फेस को नहीं छूना है बार बार मास्क को नहीं हटाना है और पूरा एरिया कवर करके रखना है आ, कुछ बच्चों को इससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होती है इससे बड़ों को भी होती है तो बच्चे को ये समझाना मुश्किल है तो इस सेफ्टी मेजर को लाना ज़रूरी है पर ये आ, बच्चों पर इनफोर्स करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा तो इसीलिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि स्कूल्स को क्या अभी खोला जाए या हम उसको थोड़ा और लेट कर सकते हैं दूसरी चीज़ जो मैंने बात की सोशल डिस्टेंसिंग अब हम लोगों के लिए एज एन एडल्ट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना फिर भी मुश्किल नहीं है हमें पता है कि हमें इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है और हर जगह पर जैसे आप जाते हैं मार्केट में या और जगहों पर गोले लगाकर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है आप उसे फॉलो करते हैं बच्चे के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अगेन एक प्रॉब्लम है जो मुश्किल है क्योंकि बच्चे जैसे मैंने बताया कि बड़े चंचल होते हैं और उनके लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का अर्थ है कि अगर हम उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं तो एक तो वो जो एरिया है जहाँ पर हम उन्हें पढ़ा रहे हैं जो उनका क्लासरूम है वो बहुत छोटा छोटी सी जगह है वो एक इंडोर स्पेस है वो आउटडोर स्पेस नहीं है अगर हमें वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो हम सब बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा पाएंगे हमें उसको कट डाउन करना पड़ेगा कि आ, सिर्फ आधे बच्चे या शायद एक तिहाई बच्चे ही एक बार में एक क्लास को अटेंड कर पाएंगे तो ये अगेन एक मुश्किल चीज़ है और आप इस बात से बड़ा सरप्राइज हो जाएंगे जब आप ये समझेंगे कि बाकी कंट्रीज किस तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं Uh, मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ जिसे देखकर शायद आपको बहुत आश्चर्य भी हो और दुख भी हो कि किस uh, चीज़ से बच्चों को गुजरना पड़ रहा है थाईलैंड के कुछ स्कूल्स में uh, कुछ स्पेशल बॉक्सेस बनाए गए हैं uh, जिन बॉक्सेस में बच्चे अपना स्कूल अटेंड कर रहे हैं पर uh, ये बड़ी uh, दुखद बात है कि बच्चों के लिए स्कूल एक ऐसी जगह है हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एजुकेशन तो ऑब्वियसली उन्हें मिलता ही है पर हम चाहते हैं कि वो इंटरेक्ट करें वो मिले जुले बात करें कम्युनिकेट करें इसीलिए होम टीचिंग से ज़्यादा प्रेफर हम स्कूल टीचिंग करते हैं पर अगर स्कूल में भी हमें उन बच्चों को उन बॉक्सेज के अंदर रहकर पढ़ाना पड़ेगा तो ये बहुत ही मुश्किल होगा और बच्चों की जो मेमोरीज होंगी स्कूल को लेकर वो बिल्कुल बदल जाएंगी जैसे आज के दिन वर्चुअल क्लासेस जब बच्चे अटेंड कर रहे हैं आ, बहुत प्यारे बच्चे हैं और एडजस्ट कर भी गए हैं इस बात से कि आ, हमें ऐसे ही पढ़ना है अभी आ, पर उनके मन में हमेशा ये होता है कि मम्मा पापा हम कब स्कूल जाएंगे कब अपने दोस्तों से मिलेंगे पर अगर स्कूल जाने के बाद भी आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि आप करना चाहते हैं तो शायद इससे बेटर ये ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासेस ही हैं अभी के लिए जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक उन्हें बाहर के इन्वायरमेंट में एक्सपोज करना इंटरेक्शन के बिना वो इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे अपने फ्रेंड्स से मिल भी नहीं पाएंगे और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे जो उनके लिए फॉलो करना आसान नहीं है बड़ों के लिए भी नहीं है तो छोटे बच्चों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ये सब फॉलो कर पाएँ या कर सकें अच्छे से तो ऐसे में जैसे मैंने कहा कि ये जो पिक्चर्स हैं थाईलैंड की ये क्लियरली बताती हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस तरह से बॉक्सेस में रहकर या अपने आप को बिल्कुल बांध कर अपनी पढ़ाई करें इससे तो बहुत अच्छा ये है कि वो अपने घर के कमरे में स्क्रीन के सामने पढ़ें एटलीस्ट मूवमेंट कर सकें हिल डुल सकें जो करना चाहें कर सकें और घर के सेफ एनवायरनमेंट में अभी के लिए पढ़ाई करें जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती एक और बहुत uh, दुखद चीज़ है फिर से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। अभी एक रीसेंट स्टडी की है यूनिसेफ ने और डब्ल्यू एच ओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसमें यह पाया गया है कि जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं हमें कोरोना को सॉर्ट आउट करने के लिए या एटलीस्ट वो ना फैले इसको कंट्रोल करने के लिए Uh, ये है कि बार बार आपको हाथ धोने हैं साबुन से जिसके लिए दो बहुत असेंशियल चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि एक पानी होना चाहिए और एक साबुन होना चाहिए आपको पता है ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं आज के दिन स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में हैं जो गाँव के एरियाज में हैं सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ बाहर के देशों में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये बहुत बेसिक फैसिलिटी ऑलमोस्ट 40 प्रतिशत स्कूलों में स्टडी में पाया गया है नहीं है या तो वहाँ पर पानी है और हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है या फिर बिलीव मी पानी तक नहीं है तो साबुन और पानी जैसी बहुत बेसिक चीज़ जो हमें कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी है वो भी आज के दिन बहुत सारे स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है तो इस खतरे के साथ बच्चों को स्कूल भेजना समझदारी नहीं है स्पेशली रूरल बैकग्राउंड में तो बिल्कुल ही नहीं है सरकारी स्कूलों में जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं वहाँ बिल्कुल नहीं और प्राइवेट स्कूल्स में हम भले ही इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं पानी मिल सकता है सोप मिल सकता है हैंड सैनिटाइज़र भी मिल सकते हैं थर्मल स्कैनिंग हो सकती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बट बच्चों में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और हमें वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उसे क्लासरूम के छोटे सी जगह पर उसको मेंटेन करना मुश्किल है एक और चीज़ जो ज़रूरी होती है इस वक्त वो है वेंटिलेशन अगर हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे भी तो एक चीज़ जो इंश्योर करनी पड़ेगी स्कूल अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को वो है वेंटिलेशन यानी कि Uh, जो विंडोज़ हैं और जो डोर्स हैं वो रूम की खोल के रखनी पड़ेंगी ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके या फिर क्लासेस को uh, बाहर लेना पड़ेगा मतलब इंडोर की जगह उसे आउटडोर बनाना पड़ेगा ग्राउंड में क्लासेस लेनी पड़ेंगी बट हर स्कूल में जितने क्लासरूम्स होते हैं उतना स्पेस ग्राउंड के लिए नहीं होता मतलब अगर दस क्लास रूम्स हैं तो दस ग्राउंड नहीं हैं हम कितना भी डिस्टेंस मेंटेन करें ये कर पाना शायद बहुत सारे स्कूलों के लिए आसान नहीं होगा जो अच्छे बड़े स्कूल्स हैं भले ही उनके पास स्पेस ज़्यादा है और वो ये मेंटेन कर सकें पर हर स्कूल ऐसा कर पाएगा ये शायद कहना मुश्किल है तो ये प्रॉब्लम्स हैं और जैसा मैंने अंत में कहा कि जो वाइडर पिक्चर है जो हम नहीं देख रहे हैं जो बड़ी तस्वीर हम नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि इससे बच्चे की जो फिज़िकल हेल्थ पर अफेक्ट होगा वो तो होगा ही उनको कोरोना का डर होगा जैसे आपने रिसेंटली अभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि यू में स्टार्ट किया गया स्कूल्स को खोला गया और उसके बाद करीब करीब एक लाख बच्चे इन्फेक्ट हो गए विच इज़ एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग एंड डेंजरस मतलब ये गलत है नहीं होना चाहिए तो ये ख़तरा जो फिज़िकली बच्चों को है वो तो है ही पर जैसा मैंने बताया क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे बात नहीं कर पाएंगे अपने फ्रेंड से तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की साइकोलॉजी को भी अफेक्ट कर सकता है और हमारे लिए मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फ़िज़िकल हेल्थ बच्चे की, की ज़रूरी है और एक और इस तस्वीर का बड़ा हिस्सा ये है कि थैंकफुली अभी तक आ, कोरोना के बारे में जितनी जानकारी हमें है उससे हमें यह पता लगा है कि बच्चों को बहुत सीवियर इन्फेक्शन इससे नहीं होता होने से भी माइल्ड होता है पर क्या स्कूल खुलने के बाद वहाँ जो जा रहे हैं वो सिर्फ बच्चे हैं नहीं वहाँ पर टीचर्स भी जा रहे हैं स्टाफ भी जा रहा है तो हम खतरा सिर्फ शायद बच्चों के लिए सोच रहे हैं और हमें वाइडर पिक्चर देखना ज़रूरी है ख़तरा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है खतरा वो जो टीचर्स जो इतनी मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल खुलने के बाद हम उनको भी रिस्क पर डालेंगे जो फैकल्टी है जो और सपोर्टिंग स्टाफ है उनको भी हम रिस्क पर डालेंगे और कहीं ना कहीं कही वो रिस्क एक चेन बनता जाएगा और बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो टीचर इन्फेक्ट होंगी टीचर इन्फेक्ट होते हैं तो स्टाफ और बच्चे इन्फेक्ट होंगे और ये एक चेन बन जाएगा जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है अच्छी बात यह है कि वैक्सीन शायद अब बहुत जल्दी आने वाली है बहुत आ, सारी वैक्सीन्स पर स्टडी चल रहा है फेज़ टू फेस थ्री ट्रायल्स चल रहे हैं और ये उम्मीद है कि साल के अंत तक आ, हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होगी या एटलीस्ट नए साल में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होगी जिससे हम प्रोटेक्शन हासिल कर सकें तो अगर हम इतना रुक ही चुके हैं तो क्यों ना कुछ महीने हम और वेट करें और आ, जब ये वैक्सीन आ जाए उसके बाद ही स्कूल्स खोलें तो शायद बच्चों के लिए टीचर्स के लिए स्टाफ के लिए सभी के लिए अच्छा होगा और हम इस खतरे को बढ़ने से रोक सकेंगे आ, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताइए कि आपके व्यूज़ इस बारे में क्या हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपके सोचने का नज़रिया इसी तरह से है जैसा मैं एनालाइज़ कर पा रही हूँ एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर या आपका नज़रिया अलग है अगर अलग भी है तो मैं जानना चाहूंगी वो क्या है ताकि हम एक बेस्ट डिसीजन अपने बच्चों के लिए ले, ले सकें इसी के साथ अलविदा कहती हूँ प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है और मुझे बताइए कि आप और किस बारे में जानना और सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। खुश रहिए स्वस्थ रहिए अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी बाय एंड टेक केयर टेक गुड केयर ऑफ़ योर